उत्तर प्रदेश विकास उद्योग एवं रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रहा है। जेपीएस राठौर आने वाले समय में प्रदेश उत्तम प्रदेश के स्थान पर सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। सहकारिता मंत्री युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। मंत्री प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज में सबसे नीचे पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों को प्राथमिकता पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन विकास एवं रोजगार के सफलता पूर्वक 6 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर ने, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती, सांसद मिश्रिख अशोक रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र, विधायक रामपाल वर्मा, श्याम प्रकाश मानवेंद्र प्रसाद सिंह रानू, आशीष सिंह आशु तथा अशोक अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री ने सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तथा विधायक आदि मौजूद रहे। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी माफिया कोई पकड़ा जाता है तो वो वहां गाड़ी में ही उत्पाद जोड़ने लगता है, इधर उधर उछल कूद करके किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तो मैंने इतना कहा है कि वो इस प्रकार का वो ना करें, अगर पकड़ में आए पुलिस से तो शांति से बैठे रहे, अगर वो उछल कूद करेंगे तो हो सकता है कि ड्राइवर का संतुलन खो जाए और गाड़ी पलट जाए। और निश्चित रूप से माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इतना कभी ना हुई है ना ही शायद संभव है। आज माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई हजार करोड़ की संपत्ति माफियाओं की, अपराधियों की जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।